आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे मेजगांव आईपीओ की लिस्टिंग की। लिस्टिंग तो बड़ी जबरदस्त हुई थी, बम्पर लिस्टिंग हुई थी, पर उसके बाद में पटाखा फुस फट निकल गया। आगे की क्या रणनीति होगी, लॉन्ग टर्म का क्या व्यू लग रहा है इस इंडस्ट्री का, और कोविड का क्या इम्पैक्ट अभी और पड़ेगा इसके स्टॉक के ऊपर, आइए चलकर पूरा विश्लेषण करते हैं, आगे की रणनीति समझेंगे और देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अब इस स्टॉक में अगर आपके पास ने अभी तक इसको प्रॉफिट बुक नहीं किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मार्केट कैप देखी जाए तो मार्केट कैप करीब करीब 3400 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो दोस्तों, एक स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते सबसे पहला रेड अलर्ट है, आपका पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 5% इसमें होना चाहिए। अगर आपके पास आईपीओ में उससे ज्यादा मिला है तो उसकी क्वांटिटी को आप सेल कर देते पहले ही दिन। ये नियम आपको हमारे चैनल पर हम हर वीडियो में बताते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप में 5x5 का रूल है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखिए, कम से कम 5 स्मॉल कैप या मिड कैप होने चाहिए अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और मैक्सिमम 5% का आपको एलोकेशन होना चाहिए। तो अगर अभी भी आपके पास ज्यादा है तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं कल के प्राइस पर। अब चलकर देखते हैं इसका कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्यों इतना तेजी। तो देखिए, डिमांड बहुत ज्यादा थी आईपीओ के इस टाइम पे, जब से आईपीओ चल रहा था, स्पेशली जो उससे पहले आईपीओ आए थे, तो हैप्पीएस्ट माइंड का काफी तगड़ा लिस्टिंग हुआ, उसकी वजह से लोग बाग सब तरह से एकदम जो भी आईपीओ आ रहा है सब में लगाना शुरू कर दिया। तो इसकी लिस्टिंग बहुत तगड़े डिमांड के साथ हुई थी, जिसकी वजह से अभी यहां पर ये एक क्लियर कट इम्पैक्ट है। तो कोविड का इम्पैक्ट देखिए जाने ज्यादातर हर इंडस्ट्री में पड़ा है, शिपिंग इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा, डॉक बिल्डिंग पर भी पड़ेगा, तो उसके हिसाब से, तो इसलिए थोड़ा सा अभी के लिए एकदम इतनी अच्छी इंडस्ट्री नहीं है कि आईपीओ निकालें और आईपीओ का प्राइस सस्टेन कर पाए इतने प्रीमियम पर। तो बम्पर प्राइसिंग हुआ था डेफिनेटली डिमांड की वजह से, ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ज्यादा था, पर उसके बाद में जो ये प्रीमियम होती है, आपको ये चीज समझनी है, जब आईपीओ लॉन्च किया जाता है तो कंपनीज उसको इस तरह से लॉन्च करती हैं कि कंपनी का जो प्रोजेक्टेड एक साल के बाद का प्राइस है उस प्राइस का 10% प्रीमियम लगाकर वो लोग लिस्टिंग करते हैं, तो ताकि उनको अगले एक साल का ग्रोथ पहले ही मिल जाए। ये कंपनी की एक बेसिक स्ट्रेटजी होती है, ज्यादातर सब कंपनी में ऐसा होता है। गोन आर दोस डेज जब 1990s, लेट 90s में या फिर अर्ली 20s में कंपनीज एथिकल हुआ करती थी, और उस टाइम पे वो आईपीओ में इन्वेस्टर के लिए काफी पैसा रख देती थी ताकि लिस्टिंग ईयर उनको सस्टेन रहे, पर आजकल ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से ये काफी दिक्कत वाला काम बन रहा है। आप हर आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया था अपने आईपीओ में लगाने के लिए भी, ना हमने अपने क्लाइंटेल को बताया था इसको लगाने के लिए, और ना हमने अपने चैनल पर इसको रिकमेंड किया है अपने व्यूअर्स के लिए। तो प्रीमियम बहुत ज्यादा थी इसकी डेफिनेटली। आगे का फ्यूचर, यस, ग्रोथ के हिसाब से जैसे जैसे इंडिया एक्सपोर्ट कंट्री ड्रिवन बनेगा इसका भी ग्रोथ बढ़ेगा आगे, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये बात आपको समझने की है। अब अगर देखें कि जो की इसकी एक्टिविटी है वो यह है कि ये इंटरनेशनल बिजनेस से डिपेंडेंट है, जैसे जैसे हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के साथ टाइप बढ़ेगा, हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी तो इसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ये चीज आपको समझने की है। तो आगे इंडिया की टाई अप यूएस से बहुत अच्छी होगी, चाइना के साथ लड़ाई होने के बाद में इंडिया एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन गया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हो आईफोन का, या फिर आपका प्रोडक्ट्स का हो जैसे टॉवल, बेडशीट और क्लोथ्स, या फिर कोई और भी प्रोडक्ट हो, फूड आइटम्स, एनीथिंग। तो इसकी वजह से ये बहुत अच्छा फ्यूचर है आगे के लिए, पर किस लेवल पर खरीदना है ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है। जरा इसका आज का लिस्टिंग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आज इसका लिस्टिंग हुआ ये बंद हुआ 171.95 पर इसका हाई था 216, और ये 20% के लोअर सर्किट पर इसका जो है 137.60 के आसपास था, पर ये लो आखिर में जाते जाते लो ही 20% पर बंद हुआ था, क्योंकि जो इसकी ओपन प्राइस था वो ज्यादा था, 3.9 करोड़, मोटा मोटा माना चाहिए 4 करोड़ शेयर एनएससी पर हैंड एक्सचेंज में। तो देखिए, अगर आप देखेंगे यहां पर इसको अगर एक घंटे का चार्ट पर दिखाएं आपको, तो देखिए आपको क्लियर समझ में आएगा कि हुआ क्या है इसमें आज। तो यहां से जो शुरू हुआ 144 पर गया ऊपर, और क्लोज हुआ एक घंटे बाद 188 पर, जो हाई बनाया 216 तक का बनाया, और बंद होते थे 171 पर बंद हुआ है बाद में जाते जाते। यही अगर 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो लास्ट में यहां पर ये लोअर सर्किट में रहा है काफी देर तक। ज्यादा टेक्निकल इसमें कुछ है नहीं देखने के लिए, पर यहां पर लास्ट में डाउनवर्ड प्रेशर इसमें क्लियर कट नजर आ रहा था, इसलिए उसने लोअर सर्किट बनाया और वहां पर सर्किट क्लोज हो गया है। तो अब आगे के लिए कंक्लूजन क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, ये तो क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग थी, अगर हमारा इसमें आईपीओ में अलोकेट होता, हमने अपने कस्टमर्स को किसी को भी नहीं एडवाइस किया है, पर हमारा एक कस्टमर बाद में आया जो हमारे साथ लेट जुड़े थे, तो उन्होंने इसमें अप्लाई किया था, हमने उनको क्लियर कट बोल दिया था कि आईपीओ के लिस्टिंग के प्राइस के ऊपर आपको इसको पहले 15 मिनट में सेल कर देना है। दैट्स व्हाट वी हैव एडवाइज द कस्टमर,
एंड पी इज आउट ऑफ डी नाउ एट दिस पॉइंट टाइम. अगर आपको दोबारा एंट्री करनी है तो अच्छी एंट्री हम लोअर लेवल पर लाएंगे, बट अभी नहीं. दैट वॉज अवर डिस्कशन विद दैट न्यू जेंटलमैन. लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली सही रिकमेंडेशन है, पर प्राइस थोड़ा सा आपको थोड़ा देखना है. दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक बटन दबाइएगा. अब देखिए प्राइस का अगर हम इसकी बात करें तो इसका फेयर वैल्यू करीब करीब 140 के आसपास इसका रीजनेबल वैल्यू है. अगर आपको उस लेवल में मिलता है तो वहां से आप इसको अक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के लिए. प्लीज कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर. हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक्टिव ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस देते हैं. आप मिल ड्रॉप कर सकते हैं, चार्जेस आर 8000 रुपीज पर मंथ. अगर आपको इसको खरीदना है तो देखिए दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के व्यू से आपको 3 साल का जो इसका टारगेट है, 2.5 साल से 3 साल का टारगेट, करीब करीब आपको 370 का मिलेगा. तो आपको ध्यान रखना है आगे आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म की ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको अपने पास रख सकते हैं, बशर्ते 5% पोर्टफोलियो हो. और अगर आपको नई एंट्री लेनी है तो 140 के आसपास आप इसमें एंट्री लीजिएगा, इतने हाई लेवल पर एंट्री नहीं. अभी उम्मीद है कि एक दो दिन और थोड़ा डाउन चलेगा. कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालना दोस्तों, अपना समय देने के धन्यवाद. और आपके जो डिजिटल प्रोफाइल हमारे को मिला, एक चीज बताते हैं आपको उससे पहले. देखिए अगर आपका कोई कमेंट है या आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपका पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका आंसर करने के लिए तैयार हैं. आपको जितनी डिटेल समझानी है आप समझा सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसको लेकर एनालिसिस करके आपका वीडियो बनाते हैं. हमने एक सीरीज शुरू की हुई है आस्क ए क्वेश्चन, उसमें चाहें तो आप हमारे को क्वेरी पूछ सकते हैं और आपको ये डिटेल हम आपको बात कर सकते हैं आराम से, वीडियो के थ्रू आपको आंसर कर देंगे आपके क्वेश्चन का. तो अब हम बताना चाहते हैं कि जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं उसमें काफी एजुकेशन सीरीज वीडियो भी बनाए हुए हैं और इसके साथ में फ्यूचर एंड ऑप्शन की हम एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं और ये हम एक टेक्निकल वर्कशॉप भी ज्वाइन कराते हैं जिससे आपको टेक्निकल हेल्प मिले और साथ ही साथ में आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर भी बन सकते हैं. अभी के लिए दोस्तों इतना ही, अपना समय देने के लिए धन्यवाद. और जो 4 वीडियो आए हैं ये इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे बेस्ड ऑन योर गूगल प्रोफाइल एंड डिजिटल इंटरफेस, ये हमारे यूट्यूब ने सेलेक्ट किए. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.